नकबजनी की वारदात करने वाले दो आरोपियों को गंज थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र स्थित नरसिंहपुरा में नकबजनी की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों ने विगत 28 अप्रैल को सूने मकान में वारदात को अंजाम दिया था। गंज थाना प्रभारी जयसिंह के अनुसार नरसिंहपुरा निवासी कृष्ण कुमार लॉकडाउन के चलते हरियाणा में फंस गया था और उसका मकान सूना था। इसी मकान में नागफनी निवासी रोशन लाल और पूरण ने सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तफ्तीश के बाद आज दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अब चोरी किए गए माल की बरामदगी की जा रही है। जी सर, क्या मामला है, किसको गिरफ्तार किया है? कृष्ण कुमार यादव, जो कि नरसिंहपुरा में रहता है, वो किस काम से हरियाणा गया था। लॉकडाउन की वजह से हरियाणा से वापस आ सका, पीछे से उसका मकान बंद था। दिनांक 28/4/2020 को उसके घर में नकबजनी की वारदात हुई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया। और तफ्तीश के दौरान दो मुलजिम रोशन लाल व सूरज को गिरफ्तार किया गया, जिनका दो दिन का पीछे रिमांड लिया गया। माल बरामद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चोरी क्या क्या हुआ था और क्या क्या बरामदगी हुई है इसमें? अभी बरामद का प्रयास कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले दोनों? ये दोनों नागफणी के रहने वाले। क्या नाम है दोनों बताया ना?